भी एक एक थी बार सुधी में काव्य एक आराधना आराधना के कवि का नाम झील कवि का नाम बताइए वसंत बापट कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं संजय जैनी उर्मिस मोहसिन हनीफ सत्य सुंदर और मांगल्य की आराधना चाहते कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं तौफीक लियाकत दुखियारों के दुख हमेशा के लिए दूर हो जाए ऐसी मनोकामना चाहते हैं कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं आदित्य कल्पेश पौरुष की वीरता की साधना चाहते हैं कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं फिर से सब एक होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े रहे सब स्वतंत्र होकर भी एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना से जुड़े रहे ऐसी बंधुता की कामना करते हैं विरुद्धार्थी शब्द लिखिए दुख सुख जीवन मृत्यु सत्य असत्य सुंदर असुंदर अस्त उदय अस्त तो उदय देह मंदिर चित्त मंदिर काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए देह मंदिर चित्त मंदिर काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए पहले दिन से काव्य तैयार करने के लिए कहा था तैयारी करके आए है तो बैठना नहीं तो खड़ा रहना देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए आशय स्पष्ट कीजिए तैयार की है प्रश्नों के उत्तर की आशय स्पष्ट कीजिए ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है
इस पंक्तियों के भावार्थ को स्पष्ट करना है। कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? एक वाक्य में नहीं है, क्या आराधना? प्रश्न सुना तुमने? प्रश्न मैंने क्या पूछा पता है चेतन? प्रश्नों के उत्तर आप नहीं दे पाते, इसका मतलब है कि आपने तैयारी नहीं की। जो भी खड़े हैं वो सारे विद्यार्थी सभी प्रश्नों के उत्तर दो दो बार लिखकर तैयार करके कल आना। दो बार लिखना, तैयार करना, फिर यहाँ आना। दो बार लिखकर तैयार नहीं होता तो पांच बार लिखना। आपको मन चाहे इतनी बार लिखना, लेकिन तैयार होना चाहिए। दो बार कंपलसरी, और नहीं होता तैयार तो पांच बार, दस बार, आप जितनी बार चाहे उतनी बार लिख सकते। लेकिन तैयारी के बिना यहाँ आए तो खड़े खड़े लिखना पड़ेगा। खड़े खड़े हाथ में नोट पेन रखकर, आज तो खड़ा ही रहना है क्योंकि ये दूसरी बार मैंने आपको प्रश्न पूछे फिर भी नहीं आते। न्याय मंत्री पाठ के लेखक का नाम, प्रेमल। न्याय मंत्री पाठ के लेखक का नाम सरताज, नहीं आता। लेखकों के नाम भी अभी नहीं आते तो आगे प्रश्न तो कैसे तैयार किए होंगे? इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ यहाँ ही देखना है आपको। जी सुदर्शन, सुदर्शन जी का पूरा नाम, बद्रीनाथ शर्मा, सावन, डाबी सावन सुदर्शन जी का पूरा नाम। संध्या के समय शिशुपाल के घर कौन आया था? संध्या के समय शिशुपाल के घर कौन आया था? कौन आया था? एक व्यक्ति। मुझे तो एक बार समझ में नहीं आता कि हंसी किस बात की आती है। एक तो कुछ तैयारी नहीं की और फिर दूसरा कोई कुछ बोलता है तो हंसी आती है। खुद तो खुद की तरह खड़े है आधे घंटे से। इससे बोलू क्या खड़े रहो? एक परदेशी आया था। परदेशी कौन था? महिलाज। परदेशी कौन था? सम्राट अशोक। न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? दर्शन। न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? हनीफ।
ऐसा न्याय होना चाहिए कभी कोई अपराध या अन्याय करने का साहस न करे। परदेशी कौन था, उसने दूसरे दिन क्या किया? राघव शिशुपाल के घर से दूसरे दिन धन्यवाद कहकर विदा ली। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? राजमुद्रा क्यों दी? बहनों की भी कोई तैयारी नहीं है? नसरी शिशुपाल ने क्या किया? आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सम्राट अशोक को गिरफ्तार कर दिया। खड़े रहो। विरोधी शब्द लीजिए, परदेशी बोलना नहीं, जिसको मैं पूछूं वही बोलेगा। स्वदेशी आदर अनादर। अपराधी क्या? निरपराधी। दोषी तो निर्दोष। सुप्रबंध कुप्रबंध
गिरफ्तार गिरफ्तार रिहा स्वीकार अस्वीकार समानार्थी शब्द लीजिए अतिथि मेहमान सुगम सुगम कल्पेश जो खड़े हैं उन्हें हाथ ऊंचे करने की कोई जरूरत नहीं उन्हें पूछना ही नहीं है सरल कठिन मुश्किल हैरान क्या परेशान ऊपर करके खड़े रह जाओ जो भी जितने खड़े हैं वही क्योंकि उनका मुंह बंद नहीं है कितनी बार मना किया है कि आपको किसी से कुछ नहीं पूछना फिर भी घर से तैयार करके आने के लिए मैंने कहा था 3 दिन हो गए हैं फिर भी कुछ तैयारी नहीं की और यहाँ पर भी ठीक से नहीं खड़े रहते स्वीकार अस्वीकार सॉरी निरुत्तर समानार्थी शब्द निरुत्तर क्या खामोश शांति तो अशांति सॉरी शांति तो कुछ भी बोलना नहीं ऐसा है पर यहाँ तो उत्तर नहीं देना निरुत्तर खामोश रहना जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो आपके पास कोई उत्तर नहीं है तो आप क्या करते हैं खामोश रहते लेकिन यहाँ पर तो ये भी नहीं दिखाई देता बातें करना शुरू कर देते हैं मन में ऐसा भी कभी नहीं होता कि हमें नहीं आता तो हम चुपचाप खड़े रहे न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने राज मुद्रा दी इसका अर्थ है मैं आपसे प्रसन्न हूँ आपके न्याय मंत्री होने की यह तनख्वाह है यह मेरी ओर से पुरस्कार है यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है सही विकल्प चुनकर उत्तर देना है यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है क्या निराश हुआ जाए इकाई के लेखक क्या निराश हुआ जाए इकाई के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी मन बैठ जाना मुहावरे का अर्थ सावन मन बैठ जाना क्या
आरिफ ने क्या उत्तर दिया दर्शन? जो भी प्रश्न मैंने पूछा था उसका उसके उत्तर में इसने क्या कहा? इधर आ, पर्दाफाश करना, पर्दाफाश करना, फिर से वेद खोलना, ज्योति बुझना, रवि, जैनी, मरना, कातर ढंग से देखना, फिर से भयभीत होकर देखना, कातर ढंग से देखना मतलब भयभीत होकर देखना। आज सब समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं? देवांशी, राघव, आरोप प्रत्यारोप, ज्येष्ठ वातावरण आज कैसा बन गया है? कोई ईमानदार आदमी बचा ही नहीं। 12 वर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया? मनुष्य के मन में कौन से विकार है? चेतन, काम, क्रोध, मोह, लोभ। 12 वर्ष किसको धर्म रूप में देखता आ रहा है? कल 5वां, 6वां, 7वां, सॉरी 4था, 5वां, 6था।